हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, UPNHM यानी उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन से 17,000 प्लस वैकेंसीज जो कॉन्ट्रेक्चुअल आई हुई हैं, तो उसमें अगर हम बात करें ANM वैकेंसीज की, तो जो प्रोग्राम वाइज जो टोटल वैकेंसीज हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टोटल वैकेंसीज हैं वो हम देखेंगे और क्या प्रोग्राम वाइज कितना आपका मानदेय है, ठीक है, इस चीज़ को भी देखेंगे। क्योंकि हमारे चैनल पे मोस्टली जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ANM एप्लीकेंट्स हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन देना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम नेम की। ये है NUHM, ठीक है। NUHM में ANM की टोटल वैकेंसी कितनी है, ये है टोटल आपकी 807 वैकेंसी, ठीक है। और जो आपका मानदेय होगा वो होगा 10,915, ठीक है। NUHM प्रोग्राम में ANM की वैकेंसी है टोटल 807, अनरिजर्व की है 358 और EW की है 49 और OBC की है 203, ठीक है। और आप लोगों के SC की है 168 और ST की है 29, ठीक है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए वैकेंसीज नहीं है। और 10,915 इसका वेतन मान आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं हम नए प्रोग्राम में। नया प्रोग्राम आप लोगों का है DHS। तो DHS में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक स्टाफ नर्स, ट्रॉमा सेंटर, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, इनकी वैकेंसीज हैं, लेकिन ANM की वैकेंसीज नहीं है। इसको हम छोड़ते हैं और नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, तीन नंबर पे। तीन नंबर में इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और ये है आपका क्या, मैटरनल हेल्थ, ठीक है, मातृत्व स्वास्थ्य। इसमें स्टाफ नर्स की, ANM और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। तो हम चलते हैं ANM पर। ANM में टोटल वैकेंसी कितनी है, जो मैटरनल हेल्थ है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 3,634 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें कैटेगरी वाइज 1454, 363, 982, 763, 72 इतनी वैकेंसी हैं। और मैटरनल हेल्थ में जो सैलरी आपको मिलेगी, मानदेय मिलेगा, वो मिलेगा 12,128, ठीक है, 12,128। यानी जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग भी ANM की जो सैलरी है वो कुछ कम ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने पहले देखा तो पहले NUHM में जो आपका मानदेय था वो 10,915 था और मैटरनल हेल्थ में मानदेय आप लोगों का बढ़ा है और इसमें आप लोगों की है 12,128 टोटल मानदेय, ठीक है, यानी कि डिफरेंस आया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलेंगे RBS के, चौथे जो चौथा प्रोग्राम है उसमें ANM की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। और हम चलेंगे किस में, पाँचवें में, RBSK में, ठीक है। RBSK में किसकी वैकेंसीज हैं, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक और ANM की। तो ANM की हम देखेंगे, ANM में है टोटल कितनी, 401 वैकेंसी और कैटेगरी वाइज 160, 40, 108, 85, 8, ठीक है। और इसमें टोटल मानदेय कितना है, 12,500, ठीक है। RBSK में जो ANM होंगी उनका जो मानदेय होगा वो होगा 12,500, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, आठवें नंबर पर, ठीक है। आठवें नंबर पर है 15th फाइनेंस कमीशन, यानी 15वां वेतन आयोग। इसमें ANM UHWC की वैकेंसी है, टोटल कितनी है, 847, कैटेगरी वाइज 339 और 84, 229, 178, 17। इसका मानदेय कितना है, इसका मानदेय है 12,500, ठीक है। इसका मानदेय कितना है, 12,500 मानदेय है, ओके, 15th फाइनेंस कमीशन की। नेक्स्ट हम चलते हैं किस में, हाँ, तो नेक्स्ट हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है, NCD है, ब्लड बैंक है, ट्रेनिंग है, तो इसमें क्या है, इसमें ANM की वैकेंसी नहीं है, ठीक है, इसमें ANM की वैकेंसीज नहीं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि जो अलग अलग प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे कि ANM
जो NUHM था उसमें टोटल 807 वैकेंसी थी, मैटरनल हेल्थ इसमें टोटल 3634 वैकेंसी थी, और RBSK में 401 वैकेंसी थी, और 15 फाइनेंस कमीशन में 847 वैकेंसी थी। तो टोटल कितनी वैकेंसी बनी आप लोगों के लिए? टोटल आपके लिए वैकेंसी बनी 5689। ठीक है, तो जो टोटल वैकेंसी 17,000+ वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, एलोपैथिक फार्मासिस्ट, इन सभी के, तो इसमें आप लोगों के लिए टोटल 5689 वैकेंसी हैं ANM के लिए, जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिन्होंने ANM का डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, और मिडवाइफ नर्सिंग काउंसिल में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप लोग इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो पैरामेडिकल स्टाफ है इसमें इसकी काफ़ी ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर, और काफ़ी वैकेंसीज निकल रही हैं। इसके पहले जो परमानेंट वैकेंसी 9,212 थी, जिनका जो है चयन प्रक्रिया अभी चल रही है, और उसके बाद ही जस्ट ये वैकेंसीज आ गई। तो इसलिए जो भी ANM या स्टाफ नर्स का डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि आप लोगों को भले ही ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हैं, संविदा पे हैं, बट बेरोजगार रहने से अच्छा है कि आप लोगों के लिए ये मौका है और गोल्डन चांस है। आप लोग इसके लिए तैयारी करें, और इसके प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं, अभी से आप लोग लग जाइए, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरा इसका सिलेबस क्या है, क्या एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगा, मैं कैसे स्कोर आप लोग अच्छा करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपडेट्स है आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी है? 5689 वैकेंसीज़ हैं, और इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो कितनी है? वो डेट है आप लोगों के लिए 27 नवंबर 22, और आपका जो अंतिम तिथि है वो है 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर 2022, यानी 12 दिसंबर तक आप लोग ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, और मैं तो ये कहूँगा 12 नहीं, आप उससे 3-4 दिन पहले ही आप कोशिश करिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट जो है क्या हो जाती है, बिज़ी हो जाती है, जिससे आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो आप लोग जल्द से जल्द कोशिश करिएगा कि 10 से पहले ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दें, और जो पूरी प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियोस में बताई है, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को दिया है, आप पहले वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अपडेट आप लोगों के रहा, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।